ब्लड का अरेंजमेंट हो गया। ग्रेट। क्यों है ब्लड का अरेंजमेंट हो गया? क्या हुआ भरी? राजीव इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। सिस्टर जल्दी से इन्हें डोनेशन रूम में लेके जाइए, जल्दी। थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से माँ बच जाएंगे। तुम पागल हो क्या? क्या बोल रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मां बच जाएंगी। वेरी थैंक यू। जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना बहुत देर हो जाएगी। मम्मी जी को होश आ गया तो? नहीं नहीं, मैं अपना सच इतनी आसानी से सबके सामने नहीं आने देने वाली। मैंने कैसे अरेंजमेंट किया ब्लड का? ऐसे कैसे कर सकती है वो? अब एक बार फिर से वो सबकी नजरों में महान बन जाएगी। पता नहीं क्या करके उसने ब्लड का इंतजाम किया है। घर के सब लोग उसे देवी मां की पूजा करने लगेंगे, उसकी सारा को बिठा लेंगे, उसे फिर से महान बहू बन जाएगी वो सबकी नजरों में। और फिर बहुआ पांचवा खानदान, जो काम कोई नहीं कर पाया पर इन्हें चुटकियों में कर दिखाया। इसे कौन सी सुपर पावर मिली है भगवान जी से? इसे कैसे बचा लिया उसने मम्मी जी को? नहीं नीली, अगर तुझे भी मम्मी जी को बचाना होता तो तूने कभी मरने नहीं देती। लेकिन तेरा फायदा उनकी मौत से है, इसलिए डोंट वरी। जैसे परी ने अपनी पूरी जान लगा दी ब्लड का इंतजाम करने में, तुझे भी पूरी जान लगानी पड़ेगी उनकी जान लेने में। इस बार मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। इस बार जीत मेरी ही होगी। मरेगी मम्मी जी और मारेगी परी। मैं भी देखूं कब तक वो सबकी नजरों में महान बनती रहती है। पर क्या करूं? सोच नहीं थी। ग्रेट आइडिया, वाह। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जो सबके सामने महान बनने जा रही थी उसे सबकी नजरों में मम्मी जी का कातिल साबित कर दूंगी मैं। अब क्या हुआ? तू यहाँ? वो मैं गुरिंदर आंटी को देखने ही आई थी। अरे पता नहीं क्यों इन्हें देखते ना मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों का कोई रिश्ता था। इनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत पहले से इन्हें जानती हूँ। वो तूने कहा था ना मुझे कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है थोड़ी सी, तो कहीं उसी लॉस्ट मेमोरी का ही कोई हिस्सा तो नहीं थी? ओह गॉड, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, क्या सोचने लगती हूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आता है मुझे। अजीब सा स्ट्रेस हो जाता है मुझे, दर्द होने लगता है यार। नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं है। जैसे तू सोच रहे ना वैसा कुछ है ही नहीं। ज्यादा मत सोचा, तू टेंशन मत ले, सब ठीक है। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत ले। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम बस मम्मी जी को ऐसे देखने आए थे। ये ना ही कोई देखने का वक्त है ना ही ये कोई विजिटर्स रूम है। आप दोनों को अभी के अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। प्लीज जी, चल नहीं थी। दीदी तो ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने। नीति क्या हुआ? तू क्या बड़बड़ा रही है? ठीक है ना तू? इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर संजू, आज लीगली हमारा डिवोर्स हो ही गया।
लो साइन कर दो। नीति, वो तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है तुझे? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज जवाब देना, तू ठीक है ना पक्का? कैसे हो गया ये सब? कैसे पहुंच गई मैं यहाँ? आज तक हर प्रॉब्लम को मैंने अपने पैरों की ठोकर पर रखा है, तो आज आज क्यों? क्या हुआ है तुझे? क्या बड़बड़ कर रही है तू यार? तू ठीक है ना? क्या कर रही है ये सब? तूने क्या किया परी? मैंने क्या किया? मतलब क्या कहना चाह रही है तू? तूने ऐसा क्या किया जो गुरिंदर मम्मी जी को तुझसे इतना प्यार हो गया, तुझसे भी ज्यादा? अरे मेरी बहू, मेरी बहू, ये मेरी बहू, वो बोलना, क्या जादू कर दिया तूने उन पे? हाँ, ये क्या किया मैंने? नीति, 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 अपनी आंखें खोल प्लीज। नीति देखना मेरी तरफ, सुनिए। नीति, नीति तू तू ठीक है? क्या हुआ मुझे? हाँ नीति, तू अभी तो क्या बोल रही थी कि मम्मी जी ने मुझे अपनी बहू कहा, क्या था वो सब? क्या बोल रही है तू? मैंने तो ऐसा नहीं। तू ठीक है ना? हाँ परी, तू ठीक है? नहीं, मैं जानती हूँ तो गुरिंदर आंटी की वजह से बहुत परेशान है ना, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएंगी। परी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ इसे? ये गुरिंदर आंटी की कंडीशन की वजह से बहुत टेंशन में है। परी, प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। और तुम तो हम सबको स्ट्रॉन्ग रखती हो ना, फिर तुम कमजोर कैसे पड़ सकती हो? कोई बात नहीं परी, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मम्मी जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सिस्टर, क्या हो रहा है इन्हें? सचू, सचू पुत्र, छेती आप पुत्र, गुरिंदर नु कुछ हो रहा है पुत्र, डॉक्टर नु बुला, डॉक्टर नु बुला पुत्र। क्या करूं? डॉक्टर को बुलाती हूँ। जाओ 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 जाओ, सांस नहीं ले पा रही। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? जल्दी प्लीज देखिए, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अचानक से गिर गया, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जल्दी चलो, मैं देखता हूँ। सिस्टर, जल्दी से इमरजेंसी सिरिंज तैयार करो। Get it fast, please. We don't have much time. शायद माँ की हालत थोड़ी स्टेबल हो गई है। डॉक्टर, माँ को क्या हुआ था? अब ठीक है ना? हाँ डॉक्टर, बताइए ना, ठीक है ना मम्मी जी? प्लीज डॉक्टर बताइए ना। बताइए ना डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब बोलते क्यों नहीं, बताइए माँ कैसी है? प्लीज बोलिए ना डॉक्टर साहब, प्लीज। अरे आप शांत रहिए, शांत रहिए, सिचुएशन क्रिटिकल है, पेशेंट अनफॉर्चुनेटली कोमा में जा चुका है।